उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल का दौर जारी है। जी हां, आपको बता दें, नेता हर एक दिन पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस का समर्थन देने वाले मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। रविवार को बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद निदा खान ने कहा कि वो पार्टी के कार्यों से प्रभावित है, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया। निदा खान ने कहा कि तीन तलाक जैसे मामलों पर बीजेपी सरकार ने जो काम किया है वो सराहनीय है। निदा कहती है कि उनके साथ अब तक जो अन्याय होते आए हैं, अब उन्हें किसी और पर भरोसा नहीं है, सिर्फ बीजेपी पर है। भाजपा में शामिल होकर वह न्याय के लिए लड़ेंगी। निदा खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के शासन काल में ही मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित हैं। तीन तलाक का मुद्दा बीजेपी का सपोर्ट करने का टर्निंग प्वाइंट था। बीजेपी सरकार ने तीन तलाक पर कानून बनाकर महिलाओं को जो सुरक्षा दी है वह इस बार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। तौकीर रजा पर निदा खान ने कहा कि मेरे ससुर तौकीर रजा कुछ वक्त पहले कांग्रेस में आए हैं, लेकिन मैंने हमेशा ही बीजेपी का समर्थन किया है, क्योंकि बीजेपी मुस्लिम महिलाओं की बातचीत की, उनके सशक्तिकरण पर काम किया। यूपी में 7 चरणों में वोटिंग होने हैं। पहले चरण में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, उसके बाद 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 10 मार्च को होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। We'll be right back.